काम करता था सर। कब से कितने बजे आए? 9 बजे सर। क्या हुआ फिर? और 9:30 बजे बिल्डिंग बैठ गया सर। दीवार तोड़ते थे सर। दीवार तोड़ने में लगा ना सर, क्रेन वो बता रहे लोंडा कि क्रेक हो गया भाई, दीवार गिरने वाला है। मंटू तू काम छोड़ दे, मैं थोड़ा देखता हूँ। तो बोलता है कि वो बोलता है कि ठीक है भैया, मैं आराम आराम से करता हूँ। तो ठीक, हाँ वो मैं भी चोट लगा सर। दो मजदूर और एक मालिक थे। तुम थे? हाँ सर। दो लेबर था, दो एक सर मालिक थे सर। तुम भाग गए? मैं भाग गए ना सर, मैं भी दब के सर, मैं भी हाँ सर। आपके जानकार है कौन है वो? आपका कौन है? कौन वो? हमारा मामा सर। आपके मामा लगते हैं? हाँ सर। कहाँ के रहने वाले? मालदा डिस्ट्रिक्ट सर। हाँ मालदा डिस्ट्रिक्ट। कितने रुपए के मजदूरी पे लेकर आए? 400 सर। दोनों के? हाँ सर। 400 एक लेबर सर, 400। अब कंडीशन पता चली क्या है? क्या कंडीशन? तो डेट है सर, हम तो डेट है सर, डेट है। वो तो खुद लेके गया, मुझे पता है सर। मतलब हमारा गांव का मेरा भाई लगता है, मतलब वो जब काम से लाया, गुरुद्वारा से काम पे बेलदारी हिसाब से लेके आया, 2-3 दिन से पहले काम कर रहा था। जब ये बता, जब करकर कर रहा था, मालिक को भी बता रहा था कि ये बिल्डिंग गिरने वाला, फट जाएगा, दब जाएगा। तो मालिक ने बोलने लगा कि नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। सर आप अपना नाम और डेजिग्नेशन बता दीजिए। मेरा जो सीनियर था पहले ना, वो दूसरा था, मेरे साथ हो गया। क्या कॉल मिली थी, कब कॉल मिली थी, क्या नाम बताओ पहले अपने बारे में। एसओ बद्री प्रसाद मीना, ओखला फायर स्टेशन से। मेरे को 9:51 कॉल मिली थी, मैं यहाँ पर आया था, ऑपरेशन चल रहा था। अच्छा, तो क्या हुआ यहाँ पे? क्या कितने लोग निकाले गए हैं? 2 आदमी निकाले हमने। हाँ। हमारे साथ NDRM की टीम भी थी। क्या सर, दोनों की डेथ हो चुकी है? दोनों की, मतलब वो तो डॉक्टर करेगा, पर दोनों मतलब वो थे। तो ये बताइए कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया? हाँ पूरा हो गया हमारा ऑपरेशन। दोनों घायल, उनकी हालत क्या है? उनको हमने ट्रामा सेंटर भेज दिया निकाल के, एम्बुलेंस द्वारा।